हमने कोशिकाओं की रचना और उनके कार्य के बारे में विस्तार से जाना है साथ ही पिछले सत्र में उनके प्रकारों के बारे में भी अध्ययन किया है चलिए अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ प्रारंभिक अध्ययन करते हैं जिस प्रकार नाम से ही पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थात सूक्ष्म जीव ये शब्द उन प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आकार में सूक्ष्म होते हैं सूक्ष्म जीव बड़े पैमाने पर हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं जैसे हवा पानी मिट्टी में उनके सूक्ष्म आकार के कारण वे हमें सामान्य नजर से भले ही दिखाई नहीं देते हैं परंतु उनकी मौजूदगी हमारे चहु ओर निरंतर बनी रहती है सामान्यतः उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के परिणामों में हम अपने परिसर में और अपने चारों ओर उन्हें अवश्य महसूस कर सकते हैं जब भी हम किसी संक्रमण जैसे बुखार सर्दी और खांसी पेट खराब होना या फिर दस्त आदि के कारण बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बीमारियाँ सूक्ष्म जीवों के कारण हुई हैं हमने ये भी देखा है कि अन्न पदार्थ जैसे ब्रेड सब्जियाँ और फल आदि खराब होने का कारण भी उनमें बढ़ने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं इन सूक्ष्म जीवों के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी होने से हम उन्हें नियंत्रित करते हुए अपने उपयोग के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इडली दही योग चीज और वाइन बनाते समय किणवन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है जो इन सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होती है व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे टीके एंटीबायोटिक विटामिन जैविक अम्ल कीटकनाशकों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव इस्तेमाल किए जाते हैं इनका उपयोग प्रदूषण और कचरे जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी होता है खाद निर्माण की प्रक्रिया बायोगैस निर्माण और जैविक उपचार प्रक्रिया जैसी सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग यहां होता है अगली कक्षाओं में इससे संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में आप विस्तार से पढ़ने वाले हैं चलिए अब हम हमारे चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए इन छोटे जीवों को समझने के लिए कुछ मूलगामी बातों को समझने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म जीव उनकी संरचना और रूप में बहुत अधिक विविधता दिखाते हैं कुछ एक कोशिकीय होते हैं और बहुत सारे बहुकोशक होते हैं एक कोशिकीय है सूक्ष्म जीवों में आदि केंद्र की या दृश्य केंद्र कोशिका संरचना पाई जाती है कुछ सूक्ष्म जीव बड़ी संख्या में अकेले या एकाकी पाए जाते हैं और कुछ बड़ी सी कॉलोनियां बनाकर रहते हैं जो खुली आंखों से भी आराम से देखे जा सकते हैं कुछ सूक्ष्म जीव और ऊर्जा का या सूर्य प्रकाश का और अजैविक पदार्थों का उपयोग करते हुए उनसे पोषकता और ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसी कारण उन्हें स्वयंपोषी और संश्लेषक कहा जाता है अनेक सूक्ष्म जीव अपना पोषण और ऊर्जा जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं और उनमें पोषण परपोषी पद्धति पाई जाती है अतः समान गुणधर्म वाले सूक्ष्म जीवों को विशेष गुट में वर्गीकृत करते हुए उनके बारे में अध्ययन करना आसान हो जाता है जीव शास्त्र की वो शाखा जो इस विषय में अध्ययन करती है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है हमारे आसपास जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वे निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक गुट से होते हैं। बैक्टीरिया अर्थात अर्थात जीवाणु, प्रजीव, कवक, चार, शैवाल। सूक्ष्म जीवों का और एक खास प्रकार होता है जिसके बारे में यहां अलग से बात करना अधिक उचित होगा वे होते हैं वायरस अर्थात विषाणु वे अति सूक्ष्म अकोशिकीय होते हैं जो सजीव कोशिकाओं से संपर्क में आने के बाद अपने जैसी अनेक प्रतियों का निर्माण कर सकते हैं इसके अध्ययन की शाखा को वायरोलॉजी अर्थात विषाणु विज्ञान कहा जाता है आज हम इस सत्र के दौरान बताए गए पहले चार गुटों के सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु इस गुट में सबसे पुराने यानी आदि कोशिकाओं का समावेश होता है ये कोशिकाएं इस ग्रह पर जीवन के निर्माण होने के साथ साथ निर्माण हुई थी इस गुट के सारे प्राणी एक कोशिकीय होते हैं अर्थात इनका शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना होता है सारे जीवाणुओं में आदि केंद्र की कोशिका संरचना होती है चूंकि ये एक कोशिकीय और आदि केंद्र की होते हैं इसलिए ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सरल रूप वाले जीव माने जाते हैं वे हमें मिट्टी हवा और पानी में प्राप्त होते हैं विटेकर के पंच जगत वर्गीकरण की पद्धति के अनुसार ये मोनेरा जगत में आते हैं वे विविध आकार के होते हैं जैसे गोलाकार कोशिकाओं को कोची कहा जाता है छड़ जैसे आकार वाले जीवाणुओं को बेसिली और स्पायरल अर्थात कुंडली या सर्पिल कहा जाता है बैक्टीरिया की कोशिका या तो अकेली या उन्हें समूह में या फिर कड़ी के रूप में होती है आप इन चित्रों में देख सकते हैं बैक्टीरिया की कोशिका का आकार प्रोटिस्ट प्रजीव इस गुट में भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो पहले वाले गुट के सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि इस गुट के सारे प्राणियों में दृश्य केंद्र या सुकेंद्रिक कोशिका संरचना होती है सरल शब्दों में इन्हें एक कोशिकीय दृश्य केंद्र कहना अधिक उचित होगा अधिकतर ये जल ठिकानों में पाए जाते हैं जैसे समुद्र नदियां तालाब कुआं और आर्द्रता से भरी मिट्टी अधिकतर ये पोषण की परपोषी पद्धति का अवलंब करते हैं कुछ प्रजीवों के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक होता है और वे प्रसाद संश्लेषक होते हैं विटकर के पंच जगत सिद्धांत के अनुसार प्रजीव प्रोटिस्ट जगत में आते हैं इनके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं विटकर के पंच जगत सिद्धांत के अनुसार प्रजीव प्रोटिस्ट जगत में आते हैं इनके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कवक इस वर्ग के सारे प्राणी दृश्य केंद्र होते हैं अधिकतर कवक बहुकोशिकीय होते हैं और कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं ये अधिकतर नमी से भरे स्थानों पर आते हैं जहाँ पर जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जैसे गीली लकड़ी के टुकड़े पेड़ का तना मृत क्षय पदार्थ युक्त मिट्टी अधिक पके हुए फल और सब्जियां मृत प्राणियों के शरीर आदि सारे कवक या तो परपोषी पोषण पद्धति का अनुसरण करते हैं या फिर वो मृतोपजीवी होते हैं विटकर के पंच जगत सिद्धांत के अनुसार कवक जगत में आते हैं ईस्ट नामक कवक सबसे आम कवक है जिसका इस्तेमाल विविध प्रकार के बेक किए हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण में और शराब बनाने में होता है मोल्ड कवक के कारण खाना खराब होता है बड़े पैमाने पर हम खाने में मशरूम का इस्तेमाल करते हैं ये भी एक प्रकार के कवक ही होते हैं इसके कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार के हैं शैवाल इस गुट के अधिकतर प्राणी बहु कोशिकीय होते हैं परंतु कुछ एक कोशिकीय हो सकते हैं ये अधिकतर जलीय निवासी होते हैं ये मीठे पानी में और खारे पानी में दोनों जगहों पर पाए जाते हैं कुछ बहु कोशिकीय बहुत बड़े पैमाने पर उगते हैं और हम उन्हें तालाब के पानी पर फीते की तरह या फिर जालीदार पत्र के समान तैरते हुए देख सकते हैं सारे कवक प्रकाश संश्लेषक होते हैं विटेगर के वर्गीकरण के अनुसार प्लांटे जगत से हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ कुछ अब प्रोटिस्टा जगत में भी समाविष्ट हो गए हैं चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं आप जीवों के बारे में विस्तार से अगले साल पढ़ने वाले हैं इसी कारण इस मूलगामी जानकारी को अवश्य याद रखें चलिए जल्दी से आज के सत्र का सारांश देखते हैं हमने सूक्ष्म जीव नामक शब्द के अर्थ को समझा दो हमने सूक्ष्म जीवों के महत्व को जाना साथ ही ये भी जाना कि वे कहां कहां मिलते हैं तीन हमने सूक्ष्मजीवों की कुछ मूलगामी विशेषताओं के बारे में भी जाना चार हमने चार प्रकार के सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं को समझा वे हैं एक जीवाणु दो प्रजीव तीन कवक और चार शैवाल